यकीनन आप कहेंगे कि आप ही इस बात का फैसला करेंगे, लेकिन जब यही सवाल कोई समलैंगिक करता है तो शायद जवाब खोजने में बड़ी मुश्किल हो। एक तरफ एक आज़ाद सोच है जो अपनी लाइफस्टाइल, अपना पार्टनर खोजने की पूरी आज़ादी चाहती है, तो दूसरी ओर देश का कानून और अलग अलग धार्मिक नियम इसे गलत कहते हैं। इसी कश्मकश के एक ओर सरकार है तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट। वहीं इन सबके बीच एक फतवे ने इस बहस को और गर्म कर दिया है। ये फतवा कहता है कि अगर कोई समलैंगिक है तो उसे जिंदा जलाकर मार देना चाहिए। इन सबके बीच कई सवाल छिपे हैं जिनका जवाब खोजेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस चर्चा में हमारे साथ होंगे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, जो कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, रुजान खम्बाटा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही आरिफ जाफ़र भी फ़ोन लाइन पर होंगे जो कि सदस्य है नाज फाउंडेशन के, जो कि काफ़ी जो LGBT कम्युनिटी है उनके राइट्स के लिए काम करती है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने समलैंगिक मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। ये जानकारी सामने आई है कानून मंत्री कपिल सिब्बल के एक ट्वीट के जरिए। याचिका में धारा 377 बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए समलैंगिक रिश्ते को अपराध बताने वाली IPC की धारा 377 को बहाल रखने का आदेश सुनाया था। इसके बाद से ही इस धारा को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। एक खेमा 150 सदी से ज्यादा पुराना होने का हवाला देकर इस कानून को हटाने के पक्ष में है, तो दूसरा समलैंगिक रिश्ते को विकृति बताकर धारा 377 कायम रखने के पक्ष में है। I am very happy that the government has taken the initiative. It actually gives a very good signal to the whole country that the government is concerned about the rights of everybody. अब ऐसे माहौल में जब पूरे देश में गे राइट्स को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, धारा 377 पर बहस जारी है और लोग गे राइट्स को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, तब बरेली की बरेलवी मरकज की दरगाह आला हजरत ने समलैंगिकता के खिलाफ फतवा जारी किया है। इस फतवे में शरीयत का जिक्र करते हुए समलैंगिक संबंधों को हराम करार दिया गया है। दरगाह से जुड़े मरकजी दारुल इफ्ता के मुफ्ती मोहम्मद अफजाल रजवी ने यह फतवा जारी किया है। इस फतवे के मुताबिक समलैंगिक संबंध रखने वालों को आग में जला देना चाहिए या फिर उन्हें ऊंची जगह से या ऊंची दीवार से गिराकर उन पर पत्थरों की बारिश की जानी चाहिए। और तो और, अहले सुन्नत मुस्लिम मूवमेंट के कौमी सदर नवीरे आला हजरत मौलाना तस्लीम रजा खान ने तो इन संबंधों को इंसानियत से गिरी हुई बात बताया है। उनके मुताबिक कोई भी धर्म ऐसे संबंधों को जायज़ नहीं मानता और ना ही इसकी इजाज़त देता है। साथ ही उन्होंने इस कानून के बॉयकॉट की अपील भी की है। इन लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना भी मुनासिब नहीं समझा और फतवा जारी कर दिया। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी फोन लाइन पर हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये फतवा और क्या कहता है? जी हाँ मोहतरम, इस सिलसिले में यहाँ पर हमारे यहाँ दारुल दरगाह आला हजरत बरेली से जारी किया गया है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इस मामले में शरई नुक्ते नजर से इसकी बारीकियां जानना चाहते हैं और हुक्म जानना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ शरई नुक्ते नजर से तमाम चीजें बताई जाती हैं और इसमें भी बताया गया है कि ये शरण हराम और नाजायज है और ये जिना के हुक्म में आता है और इससे ये जिना के हुक्म में आता है और एक अलावा इसके अलावा तकलीफ खुदा में जो है वो छेड़छाड़ है और ये छेड़छाड़ जो है नहायत ही सख्त गुनाह कबीरा है। और दूसरी बात ये है कि ये बाज़ाब्ता तौर पर एक साजिश के तहत यूरोपियन कल्चर को हिंदुस्तान में लाने की बात हो रही है। हिंदुस्तानी तहजीब और कल्चर जो है इन तमाम चीजों को इस फतवे में क्या कहा गया? मौलाना साहब, इस फतवे में क्या कहा गया? आपने कहा ये हराम है, समझ में आई बात, फतवे में क्या कहा गया है, क्या करना चाहिए अगर कोई ऐसे समलैंगिक कोई है तो क्या करना चाहिए उनके खिलाफ? तो ये इस सिलसिले में शरीयत का हुक्म ये है, चूँकि हिंदुस्तान में इस्लामी शरीयत का निफाज नहीं है, ये एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में इस्लाम की तमाम चीजों को अमली जामा नहीं बनाया जा सकता। अगर इस्लामी हुकूमत होती या जहाँ भी जहाँ भी इस्लामी हुकूमतें हैं वहाँ पर इसका हुक्म तो ये है कि संसार कर दिया जाए और इनको
आधा जिसमें को गार्ड किया जाए जमीन पर, और फिर इनको जो है शनबाजी की जाए, इतनी शनबाजी की जाए, इतना संसार किया जाए, ये खत्म हो जाए। आपको ये फतवा जायज लगता है? आपको ये फतवा जायज लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जायज लगता है। आप एक बात बताइए कि आप एक बताइए कि इंडिया में और तालिबान में एक बड़ा फर्क क्या ये नहीं है कि तालिबान किसी को अपने हिसाब से सोचने की आजादी नहीं देता, और भारत में एक राइट ऑफ इक्वालिटी की हम बात करते हैं, हर किसी को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, किसी मजहब से हो, और उसको अपने हिसाब से जीने की आजादी देता है। इसको इसको तालिबान से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो तालिबान से जोड़ रहे हैं बिल्कुल गलत जोड़ रहे हैं, और इसको हम खालिस शरई नुक्ते नजर की बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि हिंदुस्तान हमारा जो है मुल्क अजीज एक जमहूरी निजाम के तहत चलता है, और इस जमहूरी निजाम की यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं तमाम बादशाहानी मुल्क उसकी पाबंदी करते हैं, मगर शरीय जहाँ शरीयत का निफाज है, जहाँ जिस मुल्क का निजाम शरीयत के तौर पर चलता है, तो वहाँ इन तमाम चीजों को अंजामा बनाया जाता है। हमारी शरीयत ये कहती है कि ऐसे इस तरह गुनाह के इर्तिकाब करने वालों को ये सजा दी जाए। चलिए, हमारे साथ रुजान खंबाटा जी भी हैं। रुजान, आपने पूरी बात सुनी, एक और पूरे देश में बहस जारी है 370 कितनी सही कितनी गलत, और इस सब के बीच ये फतवा, क्या कहें? क्या ये तो वो क्या कहते हैं जो सभी मौलाना जी ने बताया कि ये जो यूरोपियन कल्चर या अमेरिकन कल्चर आ रहा है, तो मुझे मौलाना जी को याद दिलाना है कि हमारे मुस्लिम में भी ये कल्चर था, वो के लूते कौम था जो कहते थे, जिन जो सालों पहले उनके यहाँ भी कौमे लूत था, और सालों पहले वहाँ भी ये एक्टिविटी होती थी। दूसरी बात, हिंदुओं में भी था, ऐसा नहीं है, वील टॉक ऑफ एवरी रिलीजन, हिंदुओं में भी ये था, और वो शिखंडी जी का आपने जो स्टोरी सुनी है हमने सबने, तो ये सब इट इटसेल्फ प्रूव्स कि ऐसा नहीं है, ये यूरोपियन कल्चर आया। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे कहनी है, जो आपने भी बताई कि ये हम लोग फ्रीडम, अपनी लिबर्टी मांग रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मांग रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी मांग रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि जो हमारा सेक्शन है 377 जिसमें लिखा है कि हूसोएवर वॉलंटरीली, हमें खाली वो प्रॉब्लम वॉलंटरीली वर्ड से है, और दूसरा वर्ड है डज goes against order of nature. अब मुझे मौलाना जी से ही पूछना है कि आप जो ये धर्म के जो सब वादे रखते हो कि ये हुआ वो हुआ, तो जो ऑर्डर ऑफ नेचर जो अगेंस्ट कहाँ जा रहा है? जैसे कि एग्जांपल मैं सिंपल, अभी और ज्यादा एग्जांपल नहीं दे पाऊंगी, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि हमें हमें जैसे कि नाक से सांस लेनी होती है, लेकिन दैट इज ऑर्डर ऑफ नेचर अगर आप बोलो, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि अगर हम नाक से सांस नहीं लेते तो हम मुंह से लेना चालू कर देते हैं, या अगर लेट अस से अगर आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुंह खाने के लिए होता है, लेकिन अगर मैं खाना मुंह से नहीं खा पाती हूँ तो लोग मेरे को सलाइन डालते हैं, तो आप इसको अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर बोलोगे? आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हम तो पेशेंट को बचाने के लिए कर रहे थे। तो इट इज वेरी नेचुरल कि ये जो साइंटिफिकली, अगर साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है, वर्ल्ड ओवर में रिसर्च साइंटिस्ट बैठे और बोलते हैं कि ये जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर नहीं जा रहा है, ये एक नेचुरल चीज है, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। अगर मैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन को मौलाना जी के लिए एक डिफाइन करके दे दूं, तो एक सिंपल सा सेक्सुअल ओरिएंटेशन में ये कहते हैं कि एक तो आपका जो इट इज नेचुरल, अगेन इसमें कुछ बाहर से कुछ अननेचुरल नहीं आया, एक तो एनवायरमेंट पर डिपेंड होता है, दूसरा कॉग्निटिव यानी अपने जो मेंटल प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग of thought वो आता है, और तीसरा बायोलॉजिकल फैक्टर आता है, बायोलॉजिकल फैक्टर में जेनेटिक्स और अपने हार्मोन्स आते हैं। तो अगर इस ये नेचुरल प्रोसेस है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? हम इसको भगवान के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, इन सवालों के जवाब खोजते हैं। आरिफ जाफर भी हमारे साथ हैं, सदस्य हैं नाज फाउंडेशन के। हाँ मौलाना जी बोल रहे हैं। मैं मोहतरमा की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, और तारीखी एक मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, तारीख के ऐसे से मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि मोहतरमा को ये नहीं मालूम है कि इस्लाम की तारीख कब हुई, कैसे इसकी इब्तदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के बानी है, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के बानी है, उनके बाद से इस्लाम की जो शुरुआत हुई, और जिस कौम का जिक्र किया कौम लूत का, वो इस्लाम से पहले की बात है, उस वक्त इस्लाम नहीं था। और तो इसलिए मुसलमान को अपनी तारीख पर नजरसानी करना चाहिए। लेकिन क्या मौलाना साहब ये बात सही नहीं है कि जिस हदीत का, जिस शरीयत की आप बात कर रहे हैं, वहां पर यह बात भी कही गई कि कौम लूत क्योंकि वो होमोसेक्सुअल थे इसीलिए उस पूरी ट्राइब का खात्मा हो गया, ये सही है? ये इस्लाम के आने से पहले की बात की है। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है ना कि ये जो पूरी कौम थी कौम लूत वो खत्म हो गई क्योंकि वो गे थे या होमोसेक्सुअलिटी में थे, समलैंगिक थे, इसलिए पूरी कौम खत्म हो गई।
हाँ पूरी फॉर्म खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ पर जिस हाँ, समाज लेकिन की बात लेकिन अब है इस बात को जरा आप सोचिए, जरा इस बात को आप सोचिए, ये कहा गया कि क्योंकि वो समलैंगिक थे इसलिए कौम खत्म हो गई, लेकिन वो समलैंगिकता आज तक जारी है। देखिए जिस चीज को लाने की बात हो रही है, देखिए इससे परिवार का खानदान का ताना बाना बिखर जाएगा और जो जो खानदान का जो सिरादा है वो सिरादा बिल्कुल मुंतशिर हो जाएगा और उससे फिर माशरे की तस्किल हो सकती है और क्या एक परिवार एक खानदान कैसे बन सकता है, ये तमाम चीजों को दुनियावी एतबार से सोचे। मौलाना साहब बने रही है हमारे साथ, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आरिफ जाफर हमारे साथ हैं, सदस्य हैं नाज फाउंडेशन के। आरिफ आपने सुना लगातार इस्लाम की बात कह के जो फतवा जारी किया गया और अब मौलाना साहब जो कह रहे हैं उससे कितना आप सेटिस्फाइड, आपको लग रहा है सही बात हो रही है? देखिए जहां तक जो है इस्लाम की बात है, मैं अगर इस नुक्ते नजर से देखूं कि हिंदुस्तान में बहुत सी कम्युनिटीज हैं और बहुत से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स भी होंगे जो होमोसेक्सुअल्स होंगे जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये एक अमली फेल है। यहाँ तक मैं मौलाना साहब से बहुत इज्जत के साथ एक पूछना चाहता हूँ कि जो इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, ये अमल है किसी का? इसने कहीं से जुरिस्डिक्शन नहीं आता क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहा है। और अमल के बारे में जहां तक इस्लाम की कहता है, इस्लाम साफ कहता है कि अल्लाह कहता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी तुम सजदे में झुक के माफी मांगोगे। पहले तो मैं इसे माफी मांगने लायक नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि जैसा कि अभी हमारी साथी ने बताया कि ये पूरी दुनिया में साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि ये एक ओरिएंटेशन है और ये पैदाइशी है, ना ये चेंज किया जा सकता है और ये ना चॉइस का इशू है। अगर व्यक्ति किसी चीज के साथ पैदा हुआ है तो उसके लिए जो भी है, ईश्वर है, खुदा है, परमपिता परमेश्वर है, उसकी मर्जी थी इसलिए वो वैसा हुआ। तो जहां तक है पूरी दुनिया में इसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं मानते, बीमारी की कैटेगरी में नहीं रखते और ये एक अमल है। तो अमल में जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा है, किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है, वो अगर अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह कहता है कि तुम माफी मांग लोगे, हम माफ कर देंगे, हम बहुत रहीम हैं, आपने वो स्कोप कहाँ छोड़ा कि वो माफी, अगर वो अगर अपने अमल से माफी मांगना चाहे आपने तो उसे आज फांसी की सजा दे दी या संसार कर दिया, सजाए मौत दे दी। दूसरा जो है, जो बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं और समलैंगिक भी हैं, आप उनके सामने सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ रहे हैं कि यदि आपको अपनी लैंगिकता के साथ रहना है तो आपको इस्लाम से दूर जाना होगा। वो अल्लाह में यकीन करता है, बाकी जो अरकान है इस्लाम के वो उनको फॉलो करता है, उसका इस्लाम में पूरा यकीन है। सेक्सुअलिटी एक अलग पहलू है, आप सिर्फ सेक्सुअलिटी के आधार पर उसके सामने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ते कि आप खुदा में यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि आप करेंगे तो आपके लिए फतवा है। तो शायद इस पे जो मौलाना लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, मैं इस्लाम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों को इस विषय पे सोचना चाहिए। चलिए बिल्कुल आरिफ जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मौलाना साहब भी हमारे साथ है, रुझान भी हमारे साथ है। एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर से लौटते